नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे दोस्तों, जहां पर जानेंगे पहली बेहद ही बड़ी अपडेट आ रही है। चुनाव से पहले बीजेपी को लगा है बड़ा झटका, बीजेपी के सांसद कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल, जानेंगे मामला और वही बताएंगे। एमपी राजस्थान छत्तीसगढ़ का वोटिंग डाटा किया गया है नष्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकील का बेहद ही बड़ा दावा, इसके साथ ही बताएंगे कि अरुण गोयल के चुनाव आयोग से इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी बोली क्या लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। अगली खबर में जानेंगे सीजीआई का अहम बयान, देश में बनाए रखे भाईचारा क्या कुछ कहना है जानेंगे, बीजेपी को दिखा दिया है आईना। इसके साथ ही खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने खोली पोल, बीजेपी का भांडा फूटा है 400 सीट का राज, यहां पर राहुल गांधी ने बता दिया है देश को, पूरा देश हैरान क्या कुछ है पूरा मामला। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, सभी बड़ी खबरें जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, लगातार बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर यही मानते हैं कि राहुल गांधी आने वाले वक्त में देश का नेतृत्व कर सकते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी अपडेट बताते चलें, हरियाणा के हिसार से बीजेपी के सांसद ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, बीजेपी को लगा है बेहद ही बड़ा झटका, हरियाणा की कई लोकसभा सीटों पर पड़ेगा इसका असर सीधे तौर पर। देश के मौजूदा हालात को लेकर के चिंतित हो गए हैं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, सीजीआई चंद्रचूड़ बोले देश में समानता बनाए रखने के लिए भाईचारे की भावना अहम है, आपस में लड़ेंगे लोग तो देश कैसे करेगा प्रगति। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि देश में समानता बनाए रखने के लिए भाईचारे की भावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि संविधान की भावना के अनुसार हम सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, अगर लोग आपस में ही लड़ेंगे तो देश कैसे प्रगति करेगा। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे कहा है कि हमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलना होगा, तभी हमारा देश यहां पर प्रगति कर सकता है। आपस में लड़ने से हमारे देश को काफी नुकसान होता है, वो पिछड़ता है। ये यहां पर बयान सामने निकल के आया है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का। दोस्तों, अगर आप लोग भी सीजीआई के बयान से सहमत हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी बताइएगा। एक और बड़ी जानकारी आ रही है दोस्तों, राहुल गांधी ने खोल दी है बीजेपी की बड़ी पोल। जी हां दोस्तों, बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि इस बार 400 प्लस सीटें जीतेंगे। भाजपा सांसद का बयान है कि उन्हें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए, नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों को सार्वजनिक यहां पर कर दिया गया है बीजेपी सांसद के द्वारा एक बयान के जरिए। राहुल गांधी ने अपने बयान में आगे कहा है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहब के संविधान को खत्म करना है, उन्हें न्याय बराबरी नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है, बीजेपी वालों को समाज को बांटना, मीडिया को गुलाम बनाना, अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा और स्वतंत्र संस्थाओं को पंगु बना करके विपक्ष को मिटाने की साजिशें यहां पर वे लोग कर रहे हैं, भारत के महान लोकतंत्र को संकीर्ण तानाशाही में बदलना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अपने बयान में आगे कहा है कि हम आजादी के नायकों के सपनों के साथ ये षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे और अंतिम सांस तक संविधान से मिले लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। संविधान का हर सिपाही, विशेष रूप से दलित आदिवासी पिछड़े और अल्पसंख्यक जागे, अपनी आवाज उठाएं, इंडिया आपके साथ में है, अभी भी समय है, सब लोग जागिए। ये यहां पर दो टूक कहना है राहुल गांधी का। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग राहुल गांधी के बयान से सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में हां या ना में जरूर ही बताइएगा, क्योंकि बीजेपी की बड़ी साजिश का यहां पर उन्होंने भांडाफोड़ कर दिया है। और दोस्तों, अगर आप लोग भी राहुल गांधी के बयान से सहमत हैं और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन भी दर्ज करवाइएगा। बड़ी अपडेट आ रही है,
सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने यहां पर तीन राज्यों के चुनावी नतीजों को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। और अब खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के वकील का बड़ा बयान, बोले कानूनन चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव आयोग को मशीनों और वीवीपैट का इलेक्शन डाटा एक साल तक संभाल कर रखना होता है, लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में केस लगे होने के बाद भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का डाटा नष्ट कर दिया है। ये यहां पर बड़ा खुलासा दोस्तों किया गया है चुनाव को लेकर के। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है, किसानों का यहां पर रेल रोको आंदोलन हुआ है, कई ट्रेनों पर पड़ा है इसका असर। आज किसानों ने यहां पर रेल रोको आंदोलन किया। और वहीं बताते चले, किसान संगठनों के मुताबिक दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक यहां पर ये आंदोलन किया गया है। और वहीं बताते चले कि पंजाब और हरियाणा के बीच कई ट्रेनों पर इसका असर भी पड़ा है। अमृतसर में किसान संगठनों ने रेल रोको विरोध प्रदर्शन यहां पर किया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने क्यों दिया आखिर इस्तीफा। जयराम रमेश बोले इसके पीछे ये तीन वजह तो नहीं है, क्या लड़ने जा रहे हैं चुनाव। जी हां दोस्तों, बताते चले लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कल अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया, इससे मेरे मन में तीन कारण आए कि क्या उनके और मुख्य चुनाव आयुक्त में मतभेद आ गए हैं, क्या उनके और मोदी सरकार में कुछ मतभेद आ गए हैं। मेरे मन में यह भी आया है कि अभी अभी कोलकाता हाई कोर्ट के जज इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हो गए, क्या इन्होंने भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया है। अगले कुछ दिन में स्पष्टीकरण तो आएगा, लेकिन मेरे मन में यह सवाल उठे हैं। दोनों सवाल हमारे लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, यह लोकतंत्र पर एक आक्रमण है। ये यहां पर कहना है कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आ रही है, सपा के मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने बीजेपी को लिया निशाने पर, बोले हिटलर का समय भी 10 साल का ही था, जो 2014 में आए थे वो 2024 में जाएंगे और उनका भी 10 साल का समय हो गया है। ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। जबरदस्त तरीके से बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है और कहा है कि जनता इस बार बीजेपी की विदाई करने जा रही है। चुनावी रणनीतिकार सुनील कोनुगोलू की यहां पर रिपोर्ट में बेहद ही बड़ा खुलासा हुआ है कर्नाटक को लेकर के। कांग्रेस पार्टी की एक तरफा लहर देखने को मिलेगी कर्नाटक में। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी आसानी से 20 लोकसभा की सीटें जीत सकती है कर्नाटक से, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी को कुछ गलतियां यहां पर दोहरानी नहीं चाहिए जो यहां पर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान यहां पर की गई थी। और इतना ही नहीं, यहां पर कहा गया है कि अपने नेताओं के जो बयान है उन पर भी आलाकमान को कंट्रोल रखवाना चाहिए, ऊट पटांग बयान जारी नहीं होने चाहिए लोकसभा चुनाव के दौरान। तो यहां पर 20 सीटें आसानी से कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, ये यहां पर दोस्तों रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। इसके साथ ही शरद पवार ने सुप्रिया सुले को बारामती लोकसभा सीट से बनाया है इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।